एक छोटी सी चीज विश्वास जीवन में बड़े बड़े चमत्कार कर सकती है। जब एक बार आप अपने सपनों को विजुलाइज करने में माहिर हो जाते हैं और एक असली हीरो उस डर से लड़ता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेन बुक चैनल में, जहां पर आप देख सकते हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स की चैप्टर वाइज कंप्लीट बुक समरी। आज का ये वीडियो द हीरो बुक पर आधारित है, जिसे फेमस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की राइटर रोंडा बर्न ने लिखा है, जिसमें आप सीखेंगे कि अपने जीवन में जीरो से हीरो कैसे बने। इसमें आप अपने अंदर छुपे हीरो से मिलने के तरीके को सीखेंगे, जो बहुत स्मार्ट है और वो सब कर सकता है जो आप चाहते हैं। जब आप अपने अंदर छिपे अमूल्य खजाने को ढूंढ लेंगे, उसके बाद अपने जीवन के सारे सपनों और इच्छाओं को साकार करके जीवन को खुश और समृद्ध बना सकते हैं। इस किताब को अच्छी तरह और आसानी से समझने के लिए मैं इसके 16 चैप्टर्स को एक एक करके आपको डिटेल में बताऊंगा और वीडियो के अंत में बताए गए सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को दोबारा दोहराऊंगा, ताकि इस वीडियो में बताई गई बातें आपको आसानी से याद रहे। तो इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से। चैप्टर 1, द ड्रीम कॉल टू एडवेंचर। इस दुनिया में अधिकतर लोग ऐसे हैं जो ये ही सोचते रहते हैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं, मेरा जीवन बेकार है। लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं। हर इंसान की अपनी अलग समस्या है। इस दुनिया में किसी को भी परफेक्ट लाइफ नहीं मिली। सभी ने संघर्ष करके उसे परफेक्ट बनाया है। रोंडा बर्न कहती है कि ये संसार भगवान ने बनाया है, और भगवान ने कोई भी ऐसी चीज नहीं बनाई जिसमें कोई खासियत ना हो। हम सभी में कोई ना कोई टैलेंट तो होता ही है, बस जरूरत है उसे पहचानने की। ये टैलेंट हमें गॉड गिफ्टेड होता है। इस टैलेंट को पहचानने के लिए अपनी हॉबी और स्किल्स को ध्यान से ऑब्जर्व करें, पहचानने के बाद उसे करें। ऐसा करके आप दुनिया के उन सफल लोगों में से एक बन सकेंगे जो अपने हीरो से मिले, मतलब जिन्होंने अपनी हॉबी की हेल्प से अपने सपनों को सच किया और दुनिया के सामने एक उदाहरण बन के आए। इसलिए अपना नेचुरल टैलेंट ढूंढें और लक्ष्य बनाकर उसमें आगे बढ़ें। इसे ही लेखक कॉलिंग टू एडवेंचर कहती हैं। चैप्टर 2, रिफ्यूजल ऑफ द कॉलिंग। कुछ ना करना सबसे ज्यादा रिस्की काम है, और उससे भी ज्यादा रिस्क है अपने सपनों के पीछे ना जाना। क्या आपने कभी सोचा है कि आप काम क्यों करते हैं? सिर्फ उससे पैसे कमाकर अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए, या फिर अपने सपनों को पूरा करने के लिए? इसका जवाब ढूंढें और अपने सपनों को पूरा करने के लिए जल्दी से जल्दी एक्शन लेना शुरू कर दें, क्योंकि ये जिंदगी एक ही बार मिलती है और हमें इस जिंदगी में ही अपने सारे सपने पूरे करने हैं। जैसे कि कहा भी जाता है कि जब जागो तभी सवेरा, मतलब आप कभी भी देर नहीं करते, बल्कि जब आपको अपनी कॉलिंग का एहसास हो जाए तो उसे हासिल करने में लग जाएं। चैप्टर 3, फाइंडिंग योर ड्रीम्स। दोस्तों, ये तो आपने सुना ही होगा कि जिस रात आप सुकून से ना सो सकें, उस समय समझ जाएं कि आपकी अपने बारे में कुछ न कुछ राय दिमाग में चल रही है जो आपकी खुशी में रुकावट बन रही है। इसलिए उस तरह की आपने जो अपने बारे में राय बना रखी है, उन सबको साइड कर दें और अपने आप को किसी के साथ भी कंपेयर ना करें। आपकी कॉलिंग अलग है, आपके सपने अलग हैं, आप खुद दूसरों से अलग हैं। फिर आप खुद को दूसरों से कंपेयर क्यों करते हैं? जितने भी नेगेटिव थॉट हैं, सब अपने माइंड से निकालकर पॉजिटिव बातों पर ध्यान देना शुरू कर दें। जो भी आपके सपने पूरा करने में बाधा बनते हैं, उनसे मुंह मोड़ लें, लेकिन अपने सपनों के साथ कोई समझौता ना करें। आप अपने सपनों को बाहर की दुनिया में खोजने की बजाय अपने अंदर खोजना शुरू करें। इससे आपको अपनी कॉलिंग समझने में मदद मिलेगी और आप भी हीरो बनने की राह पर चल पड़ेंगे। आप अपनी जिंदगी में जो नहीं करना चाहते हैं, उसके बारे में सोचना बंद कर दें और उन सभी कामों पर ध्यान दें जिनकी वजह से आप अपने सपनों के करीब पहुंच सकते हैं। अपने आप से सवाल पूछें कि अगर मेरे पास सारे साधन हो तो मैं कौन से काम को अच्छी तरह से कर पाता? ऐसा कौन सा काम है जिसको मुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता? ऐसा कौन सा काम है जिसमें मैं सबसे अच्छा हूँ? जब आप ऐसे सवाल खुद से करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आप इस दुनिया में किस मकसद से आए हैं। जब आपको अपने ऐसे सवालों के उत्तर मिलने शुरू हो जाएं, तो समझ लीजिए कि आप अपने सपनों के बहुत करीब पहुंच रहे हैं।
अपने ऊपर कभी भी शक ना करें, बल्कि उतना समय और ऊर्जा अपने आप को बेहतर बनाने में लगाएं। याद रखें कि जिंदगी हमें हर कदम पर मौका देती है, इसलिए बस अपने दिमाग को हर मौके के लिए तैयार रखें, जिससे आप हर अवसर का फायदा उठा सकें। चैप्टर 4, फॉलो योर ब्लिस। हमेशा अपने ब्लिस के बारे में पता रखें। ब्लिस का मतलब है आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या काम करने में मजा आता है, किस काम को बहुत अच्छे और मजे के साथ करते हैं। जिस काम को करने में हमें मजा आता है, उसे हम बहुत अच्छे से और पूरा मन लगा के करते हैं। अगर आप अभी भी अपने सपनों को नहीं खोज पाए हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है, बस अपने ब्लिस को खोजते रहें। हमेशा वो काम जरूर करें जिन्हें करने में आपको मजा आता है। निक वुडमैन, जो कि एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते थे, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि आखिर उनको किस बिजनेस में जाना है। जब निक अपने दोस्तों के साथ सर्फिंग कर रहे थे, तभी उन्हें एक आइडिया आया। उन्होंने इस आइडिया पर काम किया, उन्हें मजा आने लगा, और करते करते उनके इस आइडिया ने उनको ऊंचाइयों की बुलंदियों पर जाके खड़ा कर दिया। जी हाँ, सिर्फ एक आइडिया आपकी जिंदगी बदल सकता है। उनका आइडिया था कि कोई ऐसा कैमरा बनाया जाए जिससे दोस्तों की सर्फिंग करते समय फोटो खींची जा सके। क्योंकि ये काम उन्हें आता था, इसलिए इसे इतने अच्छे से किया कि GoPro नाम की कैमरा कंपनी बना दी, जिसे आज पूरी दुनिया जानती है। चैप्टर 5, द हीरो बिलीव। सबसे पहले तो आप जो भी चीज या मुकाम अपने जीवन में हासिल करना चाहते हैं, उस पर पूरा विश्वास रखें और अपने आप को उन सपनों को हासिल करने के काबिल समझें। आपका ये विश्वास आपको वो सब चीजें हासिल करने में मदद करेगा जो आप बनना चाहते हैं या जो भी आप करना चाहते हैं। अगर आप खुद पर यकीन कर लें, तो फिर आपको किसी की राय या मोटिवेशन पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि जब हम खुद पर यकीन कर लेते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड खुद ही सारी चीजें सही करने लगता है, और वो सब जो अभी तक आपको बहुत कठिन लग रहा था, वो आसानी से होने लगता है। और ये सब कुछ होता है खुद पर विश्वास करने से। एक छोटी सी चीज विश्वास जीवन में बड़े बड़े चमत्कार कर सकती है। हर रोज सोकर उठने के बाद अपने आप से कुछ इस तरह की बातें रोज बोलें। आज का दिन तो मेरा ही है, आज मैं तब तक मेहनत करूंगा जब तक मैं अपने लक्ष्य के पास नहीं पहुंच जाता। मैं बेस्ट हूं, मेरे जैसा कोई दूसरा बना ही नहीं। इनको बोलने से आपका अपने अंदर विश्वास बढ़ेगा और आप पॉजिटिव फील करेंगे। आप खुद को भीड़ से अलग समझेंगे। ये बातें आपको अपने सपने हासिल करने के लिए एक इंस्पिरेशन के साथ साथ उन्हें किस तरह से हासिल करना है उसका रास्ता दिखाने में भी मदद करेंगी, और एक हीरो की यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। चैप्टर 6, द हीरो विजन। आज हमें जितने भी सफल इंसान देखने को मिलते हैं, वो सब अपने आइडिया की वजह से सफल हैं, क्योंकि उनके पास अपने आइडिया थे और वो सब अपने आइडिया पर काम करने और उससे समाज में एक बेहतर बदलाव लाने में सफल रहे। इसलिए आप जो हासिल करना चाहते हैं या बनना चाहते हैं, उस पर विश्वास करें। अपने काम से आज या आने वाले कुछ सालों में बेहतर बदलाव लाने के लिए काम करें। हर रोज कल्पना करें कि जो आप बनना या पाना चाहते हैं, वो असलियत में मिल गया है। अजीम प्रेम जी, जो भारत के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उनका कहना है कि सफलता जीवन में बस दो बार हासिल की जाती है, एक बार दिमाग में और दूसरी बार वास्तविक संसार में। जिस चीज को हम रोज सोचते हैं और उस पर रोज काम करते हैं, तो वो हमें हमारे वास्तविक जीवन में हासिल हो ही जाती है। जब एक बार आप अपने सपनों को विजुलाइज करने में माहिर हो जाते हैं, तब आप आसानी से अपने सपनों को हासिल करने में भी माहिर बनने लगते हैं। अपने सपनों को विजुलाइज करने का सबसे ठीक समय होता है सुबह उठने के तुरंत बाद या रात को सोने से पहले। जैसे ही आप जागते हैं, तभी से अपने सपनों को हासिल करने में जुट जाएं और ऐसे काम करें जैसे आज का दिन आखिरी दिन है। इससे आप अपना 100% दे पाएंगे और बहुत जल्दी कामयाब इंसान बन जाएंगे। दोस्तों, अपने जीवन का हीरो बनने के बारे में मैंने जो दो और बातें द एवरीडे हीरो मैनिफेस्टो की बुक समरी कुकू FM ऐप पर सुनते हुए सीखी हैं, वो ये हैं कि पहला ये कि आपका कल कैसा भी रहा हो, आपका आज जैसा भी है, इसका आपके आने वाले कल से कोई लेना देना नहीं है। हम आज क्या कर सकते हैं, हमें बस इसी बात पर ध्यान लगाना है। और दोस्तों, दूसरी बात ये है कि अगर आप ये समझ जाएं कि आप एक बकरी नहीं है, आप एक शेर हैं, और अपना हर
फैसला हिम्मत से लें तो आप खुद एक हीरो बन ही जाएंगे। तीसरी हैबिट जानने के लिए आप कुकू FM ऐप इंस्टॉल कर द एवरीडे हीरो मैनिफेस्टो की बुक समरी सुन सकते हैं। ऑडियो शोज न सिर्फ हमारा टाइम बचाते हैं बल्कि कुकू FM पर आपको मिलती है 1000 से भी ज्यादा बुक समरीज, इंस्पिरेशनल बायोग्राफीज और भी बहुत कुछ, वो भी सिर्फ एक बुक की कीमत में। और यही नहीं, इन ऑडियो बुक्स को आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में भी सुन सकते हैं। इस ऐप की सालाना सब्सक्रिप्शन 399 रुपए है, पर अगर आप BB50 कोड को यूज करते हैं तो आपको मिलेगा 50% डिस्काउंट, यानी कि अब आपकी सालाना सब्सक्रिप्शन सिर्फ 199 रुपए की होगी, जो कि रोज के 1 रुपए से भी कम है। याद रखें, ये स्पेशल 50% डिस्काउंट सिर्फ पहले 250 यूजर्स के लिए ही वैलिड है। तो देर मत कीजिए और इस स्पेशल डिस्काउंट का फायदा उठाकर अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव बदलाव लाएं। आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर कुकू FM ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। चैप्टर 7, द माइंड ऑफ अ हीरो। मैं यहाँ आपको याद दिलाना चाहूँगा कि आप हीरो बनने की यात्रा पर उस जगह पर आ गए हैं जहाँ से मंजिल अब ज्यादा दूर नहीं है, और उम्मीद है कि अब आपको अपने अंदर का हीरो भी दिखने लगा होगा। अपने अंदर के हीरो से अब आप कई बार मिल भी चुके होंगे। एक हीरो का माइंड नेगेटिव विचारों को अपने अंदर नहीं आने देता, क्योंकि हीरो का माइंड बहुत ही पॉजिटिव सोचता है और हमेशा पॉजिटिव चीजें ही क्रिएट करता है। एक हीरो कभी भी अपने फायदे के लिए किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि वो सोचता है कि कैसे मेरा और सामने वाले दोनों का फायदा हो और दोनों सफल बने। एक हीरो हमेशा अपने साथ एक अच्छी सी मुस्कान लेकर चलता है, चाहे उनके साथ कितना भी बुरा क्यों ना हो गया हो, लेकिन वो कभी भी अपने चेहरे पर शिकन नहीं आने देते और समस्या का सामना करके अपने आप को मजबूत बना लेते हैं। ऐसे ही रोज रोज नई समस्याओं से लड़ लड़ कर उनका बिलीफ सिस्टम इतना मजबूत हो जाता है कि वो जो भी चाहते हैं वो सब हासिल कर लेते हैं और जीवन में कामयाबी और खुशी को आसानी से पा लेते हैं। इसलिए आप भी असली हीरो वाले नजरिए या माइंडसेट को अपनाएं और अपने जीवन में सफल और खुश बने। चैप्टर 8, द हार्ट ऑफ अ हीरो। अभी तक हमने एक हीरो के माइंडसेट के बारे में जाना, अब हम जानेंगे कि खुश और कामयाब इंसान बनने के लिए आपको कैसा बनना चाहिए। हीरो के अंदर 3 स्किल्स होते हैं, पहला करेज, दूसरा रिस्क टेकिंग एटीट्यूड और तीसरा ग्रेटफुल हार्ट। आइए इन्हें एक एक करके डिटेल में जानते हैं। चैप्टर 9, फर्स्ट स्टेज, करेज। दुनिया में हर इंसान को किसी न किसी चीज से डर लगता ही है, ठीक उसी तरह हमारे अंदर के हीरो को भी डर लगता है, क्योंकि आखिर वो है तो एक इंसान ही। लेकिन आम इंसान उस डर से डर कर बैठ जाते हैं और एक असली हीरो उस डर से लड़ता है। डर 2 तरह के होते हैं। पहला एक भूत की तरह होता है जिसमें कोई सच्चाई नहीं होती, आम लोग सिर्फ उसे सोचकर डरते हैं, लेकिन हीरो इसे इग्नोर करके अपनी मंजिल पर ध्यान लगाए रखते हैं। दूसरा है साइकोलॉजिकल डर, जो हमें तब महसूस होता है जब सच में हम किसी नए काम को करने जाते हैं, जैसे एग्जाम देने, इंटरव्यू देने या फिर स्टेज पर पहली बार स्पीच देने जाते हैं। इस डर को दूर करने के लिए हीरो ज्यादा से ज्यादा अपने उस काम की प्रैक्टिस करते हैं जिससे उनमें उस काम को करने की हिम्मत आ जाए और एक बेहतर प्रदर्शन दे सकें। तो आप भी अपने अंदर हीरो वाली हिम्मत को जगाने के लिए इस तरीके को अपनाएं। चैप्टर 10, सेकंड स्टेज, टेकिंग रिस्क। रिस्क लेना हीरो बनने की सीढ़ी का पहला पड़ाव है, क्योंकि एक हीरो की पहचान ही रिस्क लेने से होती है। असली हीरो जिस काम को करना चाहते हैं, जिसमें भरोसा करते हैं, उसे सच करने के लिए हर जरूरी रिस्क लेने को तैयार रहते हैं। इस किताब की ऑथर बताती हैं कि मैंने द सीक्रेट मूवी बनाने के लिए अपनी सारी चीजें दांव पर लगा दी, क्योंकि मुझे विश्वास था कि अंत में मेरी जीत होगी और इस फिल्म की वजह से कई लोगों को जीवन में नई दिशा मिलेगी और इस दुनिया में मेरी एक नई पहचान बनेगी। उनकी रिस्क लेने की हिम्मत और मेहनत रंग लाई। परिणाम हम सब जानते ही हैं कि द सीक्रेट बुक और मूवी पूरी दुनिया में फेमस हुई, करोड़ों लोगों ने इसे पढ़ा और देखा और अपने जीवन में मनचाहे परिणाम पाए। इसलिए राइटर सलाह देती हैं कि जब भी आपके जीवन में कोई ऐसा लम्हा आए जब आगे बढ़ने के लिए, कामयाब होने के लिए रिस्क लेना हर हाल में जरूरी हो, तो उससे घबराए मत, क्योंकि यूनिवर्स आपको हीरो बनाना चाहता है। इसलिए रिस्क लें, हिम्मत और विश्वास से अपने काम को करें और हीरो बन जाएं। चैप्टर 11, थर्ड स्टेज, ग्रेटफुल हार्ट। एक हीरो की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि वो हर चीज के लिए ग्रेटफुल होते हैं।
उनके जीवन में जो भी काम अच्छा हुआ है, उनको जो भी चीज मिली है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, उसके लिए भगवान को दिल से धन्यवाद करते हैं। जबकि कई नाकामयाब लोग अपने जीवन में सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि जो उनके पास है उसके लिए धन्यवाद नहीं करते और ईश्वर से और ज्यादा मांगते हैं। जबकि ईश्वर कहते हैं कि मैंने जो तुम्हें दिया है पहले उसके लिए मेरा दिल से धन्यवाद करो और मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। क्योंकि ईश्वर के पास हर चीज बहुत मात्रा में मौजूद है, चाहे वो पैसे हो, खुशी हो या कामयाबी। इसलिए हर चीज के लिए धन्यवाद दें। ऐसा करने से आप अपने आप को अजेय महसूस करेंगे और आपको ज्यादा शक्ति मिलेगी, जिससे आप जीवन में मनचाही खुशी और कामयाबी को आसानी से हासिल कर सकेंगे। चैप्टर 12, द वे ऑफ हीरो। सभी इंसानों यानी हीरो की अपनी एक अलग पहचान होती है। जीवन जीने के कुछ तरीके होते हैं, आपके भी होंगे। इसी के साथ ही सभी के जीवन जीने के तरीके में ये सभी आदतें जरूर शामिल होती हैं। कोई छोटा हो या बड़ा, हीरो सभी से बहुत अच्छी तरह से बात करते हैं। हीरो जानबूझकर कभी भी ऐसा काम नहीं करते जिसकी वजह से दूसरों को कोई नुकसान या दुख हो। वो हमेशा अपने कामों से दूसरों का भला करने की कोशिश करते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ध्यान रखें कि आप कहीं ना कहीं यूनिवर्स का नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि हर इंसान यूनिवर्स का ही एक हिस्सा है। और जो इंसान यूनिवर्स या ईश्वर के साथ जैसा करता है, ईश्वर उसे वैसा ही बदला देते हैं। अच्छे का बदला अच्छा और बुरे का बुरा। अगर आप अपने जीवन को प्यार और दया से भरना चाहते हैं, तो अपनी रोज की बातों में प्लीज और थैंक यू शब्दों को जोड़ लें। चाहे आपके लिए किसी ने कितना भी छोटा या बड़ा काम किया हो, थैंक यू बोलते वक्त कभी भी कंजूसी ना करें। जीवन में कितनी भी तरक्की कर लें, कभी भी तरक्की को दिमाग पर ना चढ़ने दें। दूसरे शब्दों में कहें तो घमंड कभी भी ना करें। हमेशा लोगों के प्रति संवेदनशील रहें और जमीन से जुड़े रहें, क्योंकि यही एक असली हीरो की पहचान होती है। चैप्टर 13, नेसेयर्स एंड एलाइज। हर किसी के जीवन में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो हमेशा हमें कुछ नया करने से रोकते हैं और दूसरे जो कुछ नया और बेहतर करने के लिए इंस्पायर करते हैं। और ऐसे कुछ लोगों का हीरो के जीवन में होना बहुत जरूरी है। ऐसे लोग एक टीचर के रूप में, कोच के रूप में या कोई बुक और इस तरह की हर वो चीज हो सकती है जो आपको एक बेहतर नजरिया देती हो और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हो। इनसे हमेशा जुड़े रहें, क्योंकि यही वो लोग हैं जो लंबी छलांग मारना सिखाते हैं, सपनों के बीच में आने वाली बाधाओं को पार करने का हौसला देते हैं। हमेशा सलाह सही इंसान से लें। सलाह लेने लायक सही इंसान वो होता है जो वास्तव में वो काम कर रहा हो जो आप करना चाहते हैं, या वो लक्ष्य हासिल कर चुका हो जो आप करना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको उन रास्तों के बारे में बता सकते हैं कि किन पर चलना चाहिए और किन पर नहीं। चैप्टर 14, द रोड्स ऑफ ट्रायल्स एंड मिरेकल। जीवन क्या है, इसके बारे में राइटर कहती है कि असली जीवन वो है जिसमें हर दिन नई चुनौतियां आएं और हम उनसे निपटें, सीखें और खुशी खुशी आगे बढ़ें। अगर आप जीवन को बिना चुनौतियों के जीना चाहते हैं तो ये संभव नहीं है, क्योंकि जब तक जीवन है चुनौतियां तो आएंगी ही। आपका काम है उन्हें हैंडल करना, सीखना और आगे बढ़ना। इससे फायदा ये होता है कि जितनी बड़ी चुनौतियां पार करेंगे आपका आत्मविश्वास उतना ही बढ़ेगा, और जितना ज्यादा आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा उतनी ही आपको बड़ी सफलता मिलेगी। इसलिए चुनौतियों से कभी ना घबराएं, बल्कि डटकर उनका सामना करें ताकि आप लोगों के लिए एक मिसाल बन सकें। एक हीरो का सफर भी किसी कांटों भरी राह से कम नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि कामयाबी पाने वाले लोगों के रास्ते में रुकावटें नहीं आती, बल्कि हीरो के जीवन में भी हमारी ही तरह हर दिन चुनौतियां रहती हैं। लेकिन इन सब के बावजूद वो उन्हें पार करके अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। इसलिए अगर आपका जीवन संघर्ष से भरा हुआ है तो आप बेफिक्र होकर अपने सपनों पर मेहनत करते रहें, क्योंकि लगातार मेहनत करके कमजोरी को ताकत में और असफलता को सफलता में बदला जा सकता है। चैप्टर 15, विक्ट्री द रिवॉर्ड्स। आपने देखा होगा कि जब कोई टीम जीतती है तो उनको इनाम मिलता है, और वो इनाम ऐसा होता है कि पूरी टीम उसे पाकर खुश हो जाती है। जब हम मन लगाकर सही से पढ़ते हैं तो अच्छे मार्क्स आते हैं। इसका मतलब है कि आप जो भी काम करते हैं उसका फल आपको जरूर मिलता है। अगर आपने भी बहुत सारी चुनौतियां पार कर ली हैं और इनाम या लक्ष्य नहीं मिला तो परेशान ना हो, आपको भी इनाम जरूर मिलेगा।
हो सकता है कि ईश्वर ने आपके लिए उससे बड़ा कुछ और सोच रखा हो। इसलिए प्रोसेस ओरिएंटेड होकर अपने जरूरी कामों को करते रहें, रिजल्ट्स अपने आप मिलने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि ये एक यूनिवर्सल लॉ है कि हर कर्म का फल जरूर मिलता है। हर हीरो ऐसा ही करता है। चैप्टर 16, अ लाइफ वर्थ लिविंग। जब हम अपने जीवन में मनचाहे लक्ष्य को पा लेते हैं, उसके बाद यूनिवर्स हमें नए काम देता है। एक हीरो का जीवन टास्क से भरा हुआ होता है। इसलिए जब आप सफल हो जाएं, तब आराम से बैठने की बजाय, जो लोग अपने सपनों को पूरा करने में परेशानियां फेस कर रहे हैं, उनकी मदद करें। क्योंकि अपने जरिए हर इंसान दुनिया में सीमित बदलाव ही ला सकता है। असीमित बदलाव के लिए कई लोगों की जरूरत होती है और दूसरों की मदद करने की कोई सीमा नहीं होती। इसलिए दिल खोलकर दूसरों की मदद करें और दूसरों को भी उनके सपने हासिल करने में मदद करें। लोग उनकी बात सबसे ज्यादा करना पसंद करते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं। उन्हीं का एग्जाम्पल लोग ज्यादा देते हैं जिन्होंने दूसरों की सेवा की। दुनिया में जितने भी अमीर या बड़े लोग हैं, वो सब अपने अपने तरीके से दूसरों की सहायता करते हैं। जैसे रतन टाटा, अजीम प्रेम जी, बिल गेट्स, फेसबुक के मालिक, गूगल के मालिक। इसलिए लोग इनकी दिल से इज्जत करते हैं और ये लोगों की नजरों में हीरो बने हुए हैं। तो आप भी शेयरिंग नेचर को अपनाएं और हर कदम पर जितना हो सके लोगों की मदद करें। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि इस वीडियो के अंत में मैं बताए गए सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को दोबारा दोहराऊंगा, तो चलिए सारी इम्पोर्टेंट बातों पर एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। बड़े सपने देखें, अपने अंदर की कॉलिंग को पहचाने, अपने ऊपर विश्वास रखें, बड़ा विजन रखें, मेहनत करें, कामयाबी जरूर मिलेगी, चुनौतियों का सामना करें, सीखें और आगे बढ़ें। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको द हीरो बुक पर बना ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं जल्दी आपके लिए एक नया लाइफ चेंजिंग वीडियो लेकर आऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका समय शुभ हो।